अपने दोस्त को भी खिलाओ। भाई को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ सजाद और एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। आज आपको मेरे पीछे एक पहाड़ी दिख रही होगी और आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पहाड़ी की सैर के लिए आया हूँ। यकीनन मैं सैर के लिए आया हूँ, लेकिन इस पहाड़ी के सामने है एक फेस्टिवल आबाद। और आपको पता है जब भी फेस्टिवल लगता है तो मैं आ जाता हूँ, और इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं करने वाला, मैं करूँगा कुछ नया, कुछ डिफरेंट। डिफरेंट ये होगा कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे पता चला है यहाँ पर भाई होममेड शेफ्स हैं जिन्होंने धूम मचाई हुई है, और यहाँ एक नए किस्म का पिज़्ज़ा मिल रहा है। वैसे तो फेस्टिवल में दिखाने को बहुत कुछ है और आपको मैं दिखाता भी रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरी कोशिश ये है कि मैं तवज्जो रखूँ अपनी फूड पर, क्योंकि मैं आया हूँ खाली पेट और इस पेट को जाऊँगा भर कर। भाई मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नया नाज़माबाद में, और नया नाज़माबाद की ये पहाड़ी अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको पता ही होगा कितनी प्यारी। और खैर मौसम भी है बड़ा प्यारा, तो चलें ज़्यादा लंबा नहीं करते, जाते हैं डिस्कवर करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई खुशबुएं किस तरह के खानों की फैली हुई है और मुझे क्या खाना है। तो चलें फिर। बाहर का शवारमा बहुत ज़्यादा खाया, होम मेड शवारमा आज पहली दफ़ा मिला है, और लेकर आई है इन्हें शादी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या सीन था, कैसे डिसाइड किया कि यार शवारमा लाइव बनाएं, वो भी घर का बना हुआ? हाइजीन लेवल ऐसे मेंटेन किया है कि इसके जो मतलब सॉसेस वगैरह हैं वो सब हमारे घर के ही बने हुए हैं, कुकिंग इन साइन लैंग्वेज के नाम से है। कराची में कहीं भी ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा? जी ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। परफेक्ट है भाई। तो देखिए हमारा फर्ज क्या बनता है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। मैं यहाँ आ गया हूँ सपोर्ट करने के लिए, टेस्ट भी करूँगा, देखूँगा कैसा है, और आगे फेस्टिवल में और क्या क्या यूनिक चीज़ें खाने के लिए क्या कुछ है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो भाई मेरे हाथ में आ गए मोमोस। शवारमा मैं ट्राई नहीं करने वाला, मैंने मना कर दिया था उसके लिए। मोमोस खैर अच्छा, ये दो तरह के सॉस हैं जिसकी अभी आपने बात सुनी भी थी, ये पीनट सॉस है और ये टमाटो सॉस। वैसे मैंने किसी से पूछा था तो मुझे बताया गया था कि मोमोज खाने का सही तरीका जो है, क्योंकि ये वन बाइट होते हैं तो एक ही बाइट में खाना चाहिए, लेकिन लोगों के सामने जब भी आप खाएं तो बहुत बड़ा मुंह खोल के ना खाएं। मिर्चे लग गई मुझे तो खा के ये। ओहो अभी मोमोज इतने टेस्टी खाए होंगे तो आप भी कहेंगे कि पैसा वसूल है। जब आप खाते हो तो आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ है, घर की ही चीज़ है, घर के ही चीज़ों से बनी हुई है, तो फील आती है जब आप खाते हो तो आपको समझ आ जाता है। इसको तो आई वुड गिव 9 out of 10 टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ भी है, बना हुआ है। यूजुअली मोमोज बहुत कच्चे रह जाते हैं, लोगों से सही से स्टीम नहीं होते, बट ये बहुत अच्छी तरीके से हुआ हुआ है। उसका टेस्ट स्पेशली सॉसेज वगैरह भी बहुत अच्छी है। द पीनट सॉस मुझे वैसे भी पसंद है, तो उसमें इट्स नॉट टू स्पाइसी, अच्छी होती है, थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है, और जो टमाटर की सॉस है वो उससे थोड़ी सी स्पाइसीनेस आ जाती है, तो वो मिक्स आप करते हो तो टोटल आपको जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा है। ऐसा वसूल है। इत्तेफाक की बात है, मोमोज तो मैं कभी खाता ही नहीं था, लेकिन आज मैंने खाए, माशाल्लाह वेरी टेस्टी, बहुत अच्छे लगे मुझे, और हो सकता है कि फिर मैं आइंदा भी खाऊं। आपको पीछे दिख रहा होगा टारगेट बना हुआ है, तीर अंदाजी के लिए मैं आ गया हूँ। भाई मैंने कहा कुछ नया एडवेंचर हो जाए और मैं देखूं कि भाई मेरे निशाने कितने पक्के। तो नया नाज़माबाद आएँ, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का एडवेंचर भी है, माउंटेन क्लाइंबिंग का भी है, और ये तीरंदाजी का भी है। तो चले भाई आर्चरी के लिए मैं आ गया हूँ मार्केट में, क्या पता मैं अगले साल ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकूँ। ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि देखें पहला निशाना मेरा ज़मीन पे गिर गया था, और उसके बाद ये तीन निशाने, और फाइनली मैं 10 पर आ गया हूँ, लेकिन मैं प्लस पे भी आ सकता था भाई। आप तो एक्सपर्ट हैं, आप बताएं, फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया तो आपको लगता है कि अच्छा रिस्पांस कर रहा हूँ? चलो अच्छा बेहतरीन। देखिए 200 रुपये में अगर आप तीरंदाजी कर सकते हैं, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। आज थोड़ा शोल्डर पेन हो गया, उसकी वजह ये कि ताकत ज़्यादा लगी। तो सीन ये था कि मैंने 1.5 पे था, एक 8 पर है, 7 कंसीडर होगा, ये 9 कंसीडर होगा, ये 8 ये आई थिंक ये 9 पे ये
ये लेवल 9 पे और ये प्लस है, ये 10 पे, ये 10 पर है, यानी एक निशाना मेरा 10 पे लगा है। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में किया है, आप तो लोगों को करवाते रहे हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या लगता है मैंने पहली दफ़ा मैं सही किया? चले यही बात है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने आज अच्छा किया, क्या पता मैं रेगुलर करता रहूँ तो मेरे 6 के 6 निशाने 10 पे लगे। पिज़्ज़ा मेरे हाथ में कि मैंने ऑर्डर करवाया सिर्फ इतना सा, लेकिन इसके पीछे एक कहानी बड़े मज़ेदार थी, तो मैं चाह रहा था कि पहले ज़रा इसको टेस्ट करके बता दूं आपको कि क्या सीन है, उसके बाद इसकी कहानी आपके सामने लेकर आऊँगा। पेपरोनी फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं भाई पिज़्ज़ा का। ऑसम है ना, चीज़ ज़्यादा मज़ा कर रही है। इस डिप में ट्राई करो, वेट, क्योंकि स्पेशल डिप है इनका। अगर है ना ऐसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मीठा घी का जैसे घी टाइप है ना, थोड़ा थोड़ा सा स्वीट है। पता नहीं इस डिप में क्या है, बड़ा कोई खास डिप है ये, देखें येलो येलो सा है। ट्राई करो, अरे आजो आजो भाई हो, कैमरा देख के, अरे कैमरा देख के आजो, ट्राई करो, मज़ा आ गया। चैनल का नाम क्या आपका? चैनल काशिफ सज्जाद व्लॉग्स। हाँ पहले ये ट्राई करके तो बताओ कैसा लग रहा है खाने में? खाने में भी बेस्ट है, एंड भाई को सब्सक्राइब करें। नहीं वो तो करें, ना करें कोई मतलब नहीं है, खैर है। नहीं बताओ टेस्ट में कैसा है? काकी मजे का, तो पूरा खाओ ना फिर। नहीं नहीं बस बस मैंने, अरे अरे आजो आजो आजो, इतना कुछ खाया मैंने, आजो अपने दोस्त को भी खिलाओ, इतना कुछ खाया इधर अपने दोस्त को खिलाओ, ये लो ये लो लो, मैं भी खा चुका हूँ, ठीक है, थैंक यू भाई, मज़ेदार। अब ज़रा बात करते हैं इसको बनाने वाले से, क्योंकि मज़ेदार कहानी है कि इस फेस्टिवल में एक खातून है जो भट्टी में पिज़्ज़ा तैयार कर रही हैं। रश बहुत ज़्यादा है और बैक टू बैक पिज़्ज़ा लग रहे हैं, तो मैंने कहा जाते जाते सबसे पहले आपसे उनसे मुलाकात करवा दूँ जिनके जायके ने मुझे परेशान कर दिया और हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा मुझे बताएं क्या कहानी है इस पिज़्ज़ा के पीछे की? बस एक रेस्टोरेंट ऑन करने का शौक था, लेकिन इतना एक्सपेंसिव होता है तो हमने फिर ये फूड कार्ट का आइडिया लगाया था, मेरे और मेरे पार्टनर ने, उसके बाद बस ये हमारा पहला इवेंट है। अच्छा ये भट्टी का आइडिया किसका था? पार्टनर का, मेरे आइडिया। बहुत अच्छा और यूनिक, बहुत अट्रैक्टिव था, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, स्पेशली वो ये आइडिया अट्रैक्टिव था, लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद लोग रुकते हैं जायके की वजह से। मैं तो खुद ट्राई कर चुका हूँ, बड़ा अच्छा जायका है। आप बताएं आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? कब प्लान किया कि यार बस अब बाहर निकलना है और लोगों को बताना? बस बाहर निकलना है, यहाँ पे इस इवेंट के बाद फिर हम अब 5 स्टार पे जाएंगे। 5 स्टार पे कब से आ रहे हैं आप लोग? मंडे से आ रहे हैं। अच्छा आपका पिज्जा दूसरों से डिफरेंट है? हर चीज मुमकिन है और जल्दी तैयार हो जाता है, विद इन फोर मिनट। जो 5 स्टार पे आना चाहें, जाहिर सी बात है मंडे से, जब तक की वीडियो पोस्ट होगी मंडे हो चुकी होगी, उन्हें टाइम बता दें कि किस टाइम से किस टाइम तक आप लोग क्या मैसेज देंगे कराची वालों को? अगर आपने बेस्ट पिज़्ज़ा खाना है तो आप जरूर आए। जरूर आए भाई, और भाई मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपने बेस्ट पिज़्ज़ा ट्राई करना है तो लाजमी है, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ेदार लगा, स्पेशली इनके डिप जो है वो भी बड़े यूनिक किस्म के हैं। मैंने ट्राई किया था भाई बटर गार्लिक, मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। खैर हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और कराची वाले तो बड़े फूडी है, तो भाई इन्हें ना भी करें, फूड को सपोर्ट करें। जी तो आप सोच रहे होंगे कि अचानक अब मैं कहाँ रुक गया हूँ, ना मैं किसी फूड स्टॉल पे रुका हूँ और अब कोई एडवेंचर भी करने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी कुछ खा चुका हूँ, तीरंदाजी कर चुका हूँ। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो थी मेहंदी की खुशबू, और उससे ज़्यादा यूनिक था मेहंदी लगाने वाले, और सीन ये है कि भाई मेहंदी आर्टिस्ट वो मुझे एक साइड पर नजर आ रही थी, तो मैंने सोचा था उनसे भी बात करके देखें कि भाई कैसा लग रहा है फेस्टिवल में आके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे बताएं यहाँ आके कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है, एरिया बहुत वीआईपी है। मैं देख रहा तो लोग आते हैं, खवातीन खास तौर पे मेहंदी लगवाती हैं तो बड़ी खुश होती हैं। मेहंदी का आर्ट आसान तो नहीं लगता, आपने किससे सीखा है? मैंने अपने मामा से सीखा। मामा से कितना टाइम हो गया? मुझे काम करते हुए 8 साल। अपने बच्चों का ध्यान, साथ में लोग देख भी रहे होंगे शॉर्ट्स चल रहे हैं, जिस तरीके का प्यारा सा डिजाइन आपने इतनी तेजी से बनाया। नॉर्मली कहाँ होती है मेहंदी लगाने? मैं करीमाबाद में होती हूँ, मीना बाजार में मेरा पार्लर है, और बाकी ऑनलाइन वर्किंग वगैरह भी करती हूँ। भाई अगर अपने घर पे कोई ऑर्डर करके किसी तकरीब में मेहंदी लगवाना चाहता है, बहुत सारे लोग, तो आपसे कैसे रब्ता करते हैं? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वो ले लें, और सर्विस भी हम लोग देते हैं। तो उसके लिए सोशल मीडिया पेज अगर है तो उसका अकाउंट? सोशल मीडिया पेज मिसबा एंजल 667 के नाम से है, टिकटॉक पे भी है, इंस्टा पे भी है, और व्हाट्सएप पे भी है। तो कराची में कहीं भी लोग जाके? हाँ, वो अवेलेबल है, हम लगा सकते हैं। कोई एडिशनल चार्जेस भी हैं या ऐसे? नहीं, नॉर्मल प्राइसेस हैं, 300 स्टार्टिंग प्राइसेस हैं। अच्छा, मेहंदी में भी हमने देखा काफ़ी डिजाइन होते हैं, बड़ी कैटेगरीज आ गई हैं, अलग अलग डिजाइन है, राजस्थानी है, रूसी है, 3D वर्क है, सबके डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट डिजाइनिंग। तो ये आर्टिस्ट सब लगा लेती है? सब लगा लेते हैं। तो भाई अगर आपके घर में आ रही है तकरीब, तो आर्टिस्ट बैठी है, बुलाएं आप, मेहंदी लगवाएं, अपने घर की खवातीन के हाथों को सजवाएं।